हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइड विद ऑन। तो आज का टाइटल देख के आपको पता लग गया होगा, आज का जो वीडियो होने वाला है ये डिस्क ब्रेक के ऊपर। तो ये डिस्क ब्रेक को मैं ओपन करूंगा एंड आप लोग को दिखाऊंगा इसमें कैसे आप लोग मेंटेनेंस कर सकते हो। ये पीछे वाला जो डिस्क ब्रेक होता है ना, इसको कैसे मेंटेनेंस किया जाए, अगर आपको डिस्क पैड चेंज करना होगा तो भी आप कर सकते हो। तो ये वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले ये जो पार्ट है इसको मैं हटा देता हूँ, उसके बाद क्लियर कट वीडियो आएगा, नहीं तो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। TVS बाइक का एक खासियत है, ये जो रियर डिस्क ब्रेक है इसके ऊपर भी प्रॉपर एक गार्ड जैसा दिया गया है। इससे क्या होता है ना, अब जो धूल मिट्टी है ना उतना नहीं जाता है डिस्क पैड के अंदर, तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। तो इसको पहले ओपन कर लेता हूँ। ये तो डिस्क ब्रेक को खोलना थोड़ा बहुत तो डिफ़िकल्ट है, अगर आप लोग के पास टूल्स है तो नो प्रॉब्लम, नहीं तो आप सर्विस सेंटर में जाके ये काम करा सकते हो। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको आज टोटली ओपन करूँगा एंड आप लोग को दिखाऊँगा कि ये इसके अंदर कितना गंदगी रहता है, इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि मैंने पूरा डिटेलिंग किया मगर डिस्क पैड एंड जो इसके अंदर जो चीज़ है ना उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। चलो मैं आज डिटेल में दिखाता हूँ। तो सबसे पहले क्या है ना, अगर व्हील को खोलना होता है उस तरीके से आपको थोड़ा बहुत इसको खोलना ही पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा गंदा है एंड इसको कैसे क्लीन किया जाए वो भी मैं बताऊंगा। अभी व्हील को मैं आज ओपन नहीं करूंगा। हाथ देख सकते हो कितना गंदा हो जाता है ना, अभी ये देख सकते हो। अभी जो कैमरा है उसे भी ऑपरेट करना थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कभी कभार, तो इसीलिए। तो देख सकते हो हालत क्या है। अभी इसको क्लीन करेंगे एंड ये डिस्क पैड को भी ओपन करेंगे एंड इसे अच्छे से क्लीन करके उसके बाद फिर मैं लगाऊंगा, बिकॉज इसका जो पैड है ना डिस्क पैड का जो थिकनेस है बहुत ज़्यादा सही है। अभी इसको साफ करते हैं एंड इसको खोलने का जो तरीका है, ये जो स्क्रू देख रहे हो इसको पहले ओपन करना पड़ेगा। इसके बाद जो 5 नंबर के एलन की है उसकी मदद से इसको भी खोल लेते हैं। अरे 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 रुक जा, ये बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस आ गया है मगर अभी भी है, जान अभी भी है, तो इसे अच्छी तरीके से साफ करना है। इसका हालत देख लो कितना गंदा है ना, तो अभी साफ करना चालू कर देते और क्या। नॉर्मल जो घर का कपड़ा होता है ना मैं उसी से ज़्यादातर साफ करता हूँ, जिस जगह ज़्यादा गंदगी है पेट्रोल या केरोसिन अगर जो आपके घर में है उसी से साफ कर सकते हो। तो साफ कर लेते हैं एंड ये जो वाल्व है ना इसको थोड़ा सा प्रेस करने के बाद ये अंदर चला जाएगा। ये देखो थोड़ा सा हार्ट है, ये चला गया। ये सिंगल पिस्टन डिस्क ब्रेक है, तो सिंगल पिस्टन सही है पीछे वाले डिस्क ब्रेक के लिए। ज़्यादातर हर एक बाइक में सिंगल पिस्टन डिस्क ब्रेक मतलब रियर ब्रेक में रहता है, फ्रंट में डबल पिस्टन डिस्क ब्रेक रहता है। और ये जो पार्ट है ना इसको बहुत अच्छी तरीके से चेक कर लेना है, बिकॉज ये देखो सही है ना, इसको थोड़ा सा मूवमेंट सही करना है। और ये देख सकते हो ये सब
मुझे सही करके लगाना है एंड इस तरह भी है, पूरा सिस्टम है, ये देख सकते हो, ये देखो तो अच्छे से क्लीन करके उसके बाद फिर लगाऊंगा। ये रबर भी खोल दिया है, इसको थोड़ा सा ग्रीसिंग करेंगे, इस ये जगह ना पूरा ग्रीस रहता है, अभी देखो एकदम सूख गया है। नॉर्मल मेंटेनेंस में ये बहुत ज़रूरी होता है, तो ये अगर सही से ग्रीस रहेगा ना तो कुछ इस तरीके से प्रॉपर ना इधर ये प्रॉपर अप डाउन होते रहता है ये। तो अभी के लिए चलो क्लीन करते हैं। तो ये आप देख रहे हो और ये देखो इसमें स्मूथनेस है, तो एक्चुअली क्या है ना इसमें स्मूथनेस ख़त्म हो जाता है। तो आपको क्या करना है, एक सैंड पेपर लेना है जो कि है, ये सैंड पेपर बहुत ही पुराना था मेरे पास था, ये शायद 120 का होगा, तो उससे जस्ट आपको इस तरीके से, तो क्या होता है ना इसमें जितना सारा दाग होता है ना वो सब हट जाता है, तो ये करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आपके जो पीछे वाला डिस्प्ले में जो आवाज़ आता है ना उसका कारण यही है। बहुत दिन यूज़ करने के बाद अगर इसका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं किया ना तो इसमें बहुत सारा दाग आ जाता है, देख सकते हो जो डिस है उसमें भी बहुत सारा दाग आ जाता है इसकी वजह से, तो इसको बहुत अच्छे से घिसना है। उसके बाद ही रिजल्ट आपको खुद ब खुद मिल जाएगा, इसमें आवाज़ आना बंद हो जाएगा डिस्क ब्रेक में। तो ये आप देख सकते हो मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसे क्लीन किया है एंड प्रॉपर स्मूथनेस है। टाइम टू टाइम इसको मेंटेनेंस करोगे ना तो ये बहुत दिन तक लास्टिंग करेगा। हालांकि आपका ब्रेक कैसे आप यूज़ करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, फिर भी इसको अगर करोगे तो ये थोड़ा बहुत तो लास्टिंग करेगा ही। तो ये जो छोटा छोटा पार्ट है ना ये बहुत ध्यान में रखना, नहीं तो फोटो ले लेना। ये कुछ इस तरीके से बैठता है, तो ये आप देख सकते हो छोटा छोटा पार्ट है ना तो आपको कंफ्यूज कर देगा, तो बहुत ध्यान में रखना। और एक छोटा पार्ट इधर है, तो ये देख सकते हो यहाँ पे ये लग जाएगा, ये देखो, तो ये एंड ये ग्रीस तो मेरे पास था पहले, इसीलिए काम बहुत इजी हो जाता है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का ग्रीस है। तो अभी इसको कुछ इस तरीके से लगाना है, ये एंड ये, जो एक्स्ट्रा ग्रीस है इसे हटा लो, नहीं तो डिस्क ब्रेक में चला जाएगा तो आपको ही दिक्कत होगा, तो हमेशा ध्यान में रखो। और ये सब काम करने में ना क्या होता है ना, स्प्रे कर रहा था ना पेट्रोल का, तो वो कभी कभार ये डिस्क में चला जाता है, तो ब्रेक थोड़ा बहुत
शुरू में दिक्कत होता है। ये सब काम करने के बाद ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जब भी ब्रेक साफ कर रहे हो ना, थोड़ा बहुत ऑयल ये डिस्क पे भी जाता है, तो इसके कारण क्या होता है ना, जो ब्रेक है वो प्रॉपर लगता नहीं है। काम ख़त्म होने के बाद अच्छा कपड़े से इसको साफ कर लेना, यही बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी चलो फटाफट कंप्लीट करते ये। और एक चीज़ ध्यान में रखना, ये प्रॉपर जो बाउंसिंग वाला चीज़ है ना, ये जो प्रॉपर बाउंस कर रहा है इसको देख लेना है, बिकॉज़ ये अगर बाउंस ठीक से नहीं करेगा तो आपका ब्रेक सही से काम नहीं करेगा। तो मेरे किस्से में तो बहुत सही चल रहा है, तो आप देख सकते हो क्लीनिंग कैसे हुआ है। तो अभी इसको फिर से लगा देना है, लगाना बहुत ईजी है। तो यहाँ पे एक स्लॉट दिया गया है, जस्ट उसके अंदर इसको डालो एंड ये बस। कुछ सही हो गया है, तो अभी प्रॉपर एडजस्टमेंट करने के बाद अगर चेन ढीला होता है उसको भी आप इस टाइम पे एडजस्ट कर सकते हो। मेरे किस्से में प्रॉपर मैंने एडजस्टमेंट कर चुका हूँ और अभी टाइट करने का टाइम है। आज का जो वीडियो था ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आ रहा है, तो मेरा एक ही सजेशन है, आप लोग अगर डिस्क ब्रेक को क्लीन कर रहे हो अच्छा एक कपड़ा लेना और ये जो डिस्क ब्रेक का प्लेट है इसको अच्छे से साफ कर लेना, बिकॉज ये साफ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आप देखो ऑयल भी यूज़ किए, ग्रीस भी थोड़ा बहुत यूज़ किया, अगर इसमें चला जाता है तो ब्रेक पकड़ने में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। तो अभी मैं ब्रेक दबा के दिखा देता हूँ। तो चलो आज का वीडियो आप लोग को अगर इन्फॉर्मेटिव लगा ज़रूर से लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।